She works the nights by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। Everyone, welcome back to my channel, Indian Beauty Tips and Tricks. So, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग DIY बॉडी पॉलिशिंग मास्क लेकर आई हूँ और ये बहुत ही ईजीली आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट्स से बना सकते हैं और ये ना आपका काफ़ी टाइम तक भी चलने वाला है। और अगर इस वीडियो से देखने से पहले आप अपनी स्किन को एक बार टच करेंगे तो देखेंगे कहीं कहीं पर रफ पैचेस हैं, ड्राई है, स्मूथ नहीं है और कहीं कहीं पर एक्ने भी है, बम्स भी है, जिड्स भी है। सो इसको लगाने से सबसे पहले तो यही होगा कि आपकी स्किन एकदम स्मूथ एंड फ्लॉलेस हो जाएगी। जैसे आपकी फेस की स्किन रहती है, आप उसका इतना ध्यान रखते हैं, उसी तरह से आपको अपनी बॉडी का ध्यान भी रखना चाहिए। तो इसलिए ही ये मैंने मास्क बनाया है एंड इट इज़ सुपर यूजफुल, यू शुड टोटली ट्राई इट एंड वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और सारे इंग्रीडियंट्स बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो तो हर इंडियन हाउस होल्ड में पाया जाएगा, विच इज़ ग्राम फ्लोर या बेसन। और ये बहुत ही इजीली आपको कहीं से भी मिल सकता है एंड बहुत ही अफोर्डेबल भी होता है। आपको इसको 3-4 टेबल स्पून यूज़ करना है और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। फिर जो सेकेंड इंग्रीडियंट है वो है इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक ऑरेंज फ्रूट पील पाउडर एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। मैंने इंडस वैली के बहुत सारे पाउडर्स लिए हैं, हिबिस्कस, एलोवेरा, भृंगराज, शिकाई एंड दे आर रियली वेरी गुड एंड अफोर्डेबल टू। मतलब ये 200 से अबव के कोई पैकेट नहीं है, सब 200 से बिलो के हैं। पर अगर आपको ये नहीं खरीदना है तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। जो ऑरेंज के पील होता है, जो ऑरेंज पार्ट होता है, वो आप बाहर सुखा दीजिए और लाइक सन में आपको 2-3 डेज तक सुखाना होगा जब तक वो बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। और फिर उसको जब आप सुखा देंगे तो आपको ग्राइंडर में मिक्सअप कर लेना है ढंग से, तो ये एक पाउडर की तरह बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इट इज़ रियली वेरी इफेक्टिव। अगर आपको टैनिंग हटानी है ना तो उसके लिए बेस्ट है, आपको अपनी स्किन ग्लोइंग चाहिए उसके लिए भी बेस्ट है। इट्स रियली गुड। मैं इसके इतने ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, मुझे सीरियसली में बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑफ यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी ऐसा ही यूज़ करें। अब थर्ड इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ वो भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है, वो है रिफाइंड फ्लोर या मैदा। और ये आपकी स्किन को एकदम क्लियर बना देता है, जो आपके पोर्स के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको एकदम क्लियर आउट कर देता है, आपकी स्किन से सारी इम्प्योरिटीज़ हटा देगा। और जब वो ऐसा करता है तो ऑब्वियसली आपका जो टैनिंग है वो भी हट जाता है एंड गिव योर क्लीन सपल स्किन विच इज़ रियली ग्रेट। आप इसको यूज़ करेंगे और ये सारी स्किन टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है, आपको ज़रूर इसे यूज़ करना चाहिए। इसके बहुत सारे फेस मास्क भी मैंने बताए हुए हैं, इट इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन, यू शुड टोटली ट्राई। फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है नीम पाउडर। नीम पाउडर के मैं जितने बेनिफिट्स बताऊँ उतने कम है, इट्स रियली वेरी गुड। और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना, देन दिस इज़ अ लाइफ सेवर। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे एक्ने हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, तो मैं बोलूँगी बस नीम का पेड़ ढूंढो, उसके पत्ते तोड़ो और उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाओ, इट्स रियली गुड। मैं हमेशा जब भी मुझे नीम का पेड़ दिख जाता है ना, मैं हमेशा उससे पत्ते तोड़ लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके, लोग तो इसको खाते भी हैं, पीते भी हैं, बट इट इज़ रियली वेरी कड़वा। तो आप वैसा मैं बोलूँगी नहीं कि आप इसे खाएँ, बट ये आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, ये आपके एक्ने हटा देगा। तो ये बॉडी में भी जब किसी के एक्ने होते हैं, बैक साइड में एक्ने होता है, देन दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप नीम का जो पाउडर है थोड़ा सा आप अपने नहाते समय पानी में भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आज तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आ ही रही होगी, देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें मेरी वीडियो को एंड कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको बस क्लिक करना है, वो बिल्कुल फ्री होता है एंड उसके ही राइट में एक बेल आइकन होता है, उसको भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं बहुत सारी DIY एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़ बताती हूँ और आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा, तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब करें। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब जो जितना मैंने मिक्सचर बनाया है पाउडर्स का, इनको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर ले रही हूँ और मैं इसको बाथरूम में रखती हूँ। और कभी भी जब भी मुझे ऐसा लगता है कि माई स्किन नीड्स टू बी पैम्पर्ड, तो मैं ज़रूर इसको यूज़ कर लेती हूँ एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। आपको बस इसको थोड़े टाइम के लिए ही यूज़ करना होता है एंड एक ही बारी में आप अपनी स्किन में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखेंगे। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है। ये तो मैंने आपको एक मिक्सचर बताया है कि और उसको स्टोर करने का तरीका बता दिया। अब आपको अगर इसको डेली यूज़ करना है तो आप इसे कैसे यूज़ करें, तो क्या करें, सबसे पहले कुछ 2-3 टेबल स्पून ऑफ रॉ मिल्क ले लीजिए, मतलब कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध इसलिए क्योंकि विंटर्स आ गए हैं एंड यू नीड टू मॉइस्चराइज योर बॉडी, तो इसलिए मैंने यहाँ मिल्क यूज़ करा है। और फिर इसमें 2-3 टेबल स्पून ऑफ जो मैंने मिक्सचर बनाया है वो ऐड कर दीजिए और आप अपनी स्किन में इसे लगाएं। और अगर आपको दूध ऐड नहीं करना है तो आप इसकी जगह कर्ड और हनी भी ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से सबके साथ मिक्सअप भी हो जाता है एंड ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देगा। आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको फ़ायदा दिखेगा कि ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है आपकी स्किन में। वीक में 2-3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले आप ऑलिव ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं अपनी स्किन में, ताकि आपकी स्किन एकदम ग्लो एंड शाइनी लगे। और मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको इसको अपने फेस में यूज़ करना है तो आप इसे अपने फेस में भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे पहले आप अपना पैच टेस्ट जरूर करें। इसको लगाने से पहले थोड़ा सा चिन एरिया में आप लगाएं और देखें क्या कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। और इसको लाइक 15-20 मिनट्स तक सूखने दें, फिर आप शावर ले लीजिए एंड फिर आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं अपनी स्किन में, जो भी आपको पसंद है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक इट। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।